करनाल CIA1 पुलिस ने एक ही नंबर से दो मोटरसाइकिल चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। यह जानकारी एंटी ऑटो थेफ्ट स्टाफ के इंचार्ज रोहतास सिंह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। उन्होंने कहा कि SP सुरेंद्र सिंह भोरिया के निर्देशानुसार इस मामले पर गंभीरता दिखाई गई, जिसके चलते आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने एक मोटरसाइकिल कर्णेश्वर महामंदिर के समीप से चुराई थी व दूसरी मोटरसाइकिल अटल पार्क से चुराई थी। इंचार्ज रोहतास सिंह ने बताया कि फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाएगा और न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि एक ही नंबर से दो मोटरसाइकिल चलाने का मामला करनाल में काफी चर्चित हो रहा था। पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की गई। एक VT चली थी कि एक ही नंबर की दो मोटरसाइकिलें हैं, एक मोटरसाइकिल प्लेटिना, एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, जो करनाल शहर में घूम रही है। इस फेसबुक पे भी चली है इसका, तो हमारे SP साहब सुरेंद्र भोरिया साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई, भाई इस मोटरसाइकिल को, इस बंदे को काबू करो। तो हमने इस पर काम करते हुए गश्त के दौरान इस मुखबरी मिली और हमने इसको कल यहाँ देवीलाल चौक पर काबू कर लिया। चोरी की मोटरसाइकिल सही थी जिस पर डुप्लीकेट नंबर लगा था, वो मोटरसाइकिल स्प्लेंडर है। जिस मोटरसाइकिल का ये असल नंबर है वो गोगड़ीपुर के विक्रम मान की है, जिसके प्लेटिना मोटरसाइकिल है और ये है स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। इसको पूछताछ के लिए इसने बताई है मोटरसाइकिल मैंने सेक्टर 7 कर्णेश्वर मंदिर के पास से चोरी की थी करीब 1 साल पहले। और इससे पूछताछ के लिए इसने एक और मोटरसाइकिल बोली जो अटल पार्क से चोरी की थी। इसे दो मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है। तो ये इसी तरह से नंबर प्लेट चेंज कर करके जो है इसी तरह से वारदातों को अंजाम देता था। पहले चोरी की बाइकों को उठाता था और फिर उस पर नंबर प्लेट जो चल रही हैं उनको चेंज करके और फिर उसको चलाना शुरू कर देता था ताकि किसी को भी इस पर शक ना जाए। नहीं, जो एक मोटरसाइकिल जो हमने जिस पर मौके पकड़ा है इस पर तो डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगी थी, दूसरी पर नंबर प्लेट नहीं लगा रखी थी। ठीक है, जिसमें हमने इसको 420 धारा लगाई है जिसने नंबर प्लेट बदला। जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी थी क्या FIR भी उसने कोई दर्ज करवाई? हाँ, उसी FIR ऑलरेडी ही दर्ज है। 415 नंबर मुकदमा है 2018 का शिवलन थाने का। ये राजू शर्मा, विक्की शर्मा है, यहाँ कलंदरी गेट का रहने वाला है जी। बेसिकली ये पैदा वहाँ आगे से माता पिता नेपाल के रहने वाले हैं, तो ये करनाल में ही पैदा है, कलंदरी गेट में यहीं का रहने वाला है। तो पहले भी इस पे कोई है? नहीं, पहले कोई केस नहीं है हाँ, पहली बार ही पकड़ा। नहीं, स्टूडेंट नहीं है ये, तो ये दारू के हत्ते पे ही अपना नौकरी वगैरह करता है। तो नशे का कोई आदि ऐसा कुछ लगता है? हाँ सर, अब तो पीता है। क्या कार्रवाई की जाएगी आज? कल इसको गिरफ्तार कर लिया था, कोर्ट में पेश करेंगे। सर, ये दो बाइकें पकड़ी हैं और दूसरी बाइक कौन सी है चोरी की? दूसरी बाइक की ये साथ में खड़ी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, ये अटल पार्क से चोरी है, ये इसी साल की चोरी है। ये भी इसी ने चोरी की? आपने ये कहाँ जॉब करता है? ये देवीलाल चौक पर ही कोई डाबे डूबे पर काम करता है।